देश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रिहान ने फिर से आगाह किया है और कहा है कि अभी पीक नहीं आया। उनसे बात की है आज तक संवाददाता तेजश्री पुरेंदर ने। डॉक्टर त्रिहान, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि क्या भारत में तीसरी लहर की पीक दस्तक दे चुकी है? देखो, ये आपको समझना है कि ये जो वायरस है और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, उसकी नई जो रूप आया है, उसका पूरा बिहेवियर किसी को पता नहीं है आज तक। तो क्या नॉर्मली जो होता है कि पहले, क्योंकि ये विदेश से आया है ओमिक्रॉन, तो लोग मुंबई में लैंड करते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं, तो इसीलिए एक पहले शुरुआत होती है कि इन दो सिटीज में ही, आपको तीनों वेव्स को देख लोगे तो ऐसे ही हुआ था। फिर ये यहां से फैलना शुरू होती है, वो कंट्री साइड में, स्मॉलर टाउन्स में जाती है। अब दो बातें हैं कि मुंबई में हफ्ते 11 दिन से नाउ एक कुछ ट्रेंड दिख रहा है कि ये कम हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट तो भी ठीक उतना ही है, और लोगों ने क्या किया है कि ये जो होम किट है उस पे टेस्ट कर रहे हैं वो खुद, अगर जो पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाना कि इसकी असलियत क्या है, ये अभी किसी को पता नहीं है। एक चीज जरूर पता है हमें कि इसका अंत आया नहीं है, ना ये पीक चली गई है। अभी पीक, जैसे आज भी नंबर देखोगे तो 3 लाख क्रॉस कर गई, तो परसों बात हो रही थी कि हो सकता है यहां से कम होनी शुरू हो जाए। तो इसका कोई, हम सब बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स का हमें कुछ पता है, पर इसका ये जो वायरस है, इसका जो एग्जैक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी, आप यही सोचें कि वायरस है, अभी भी खतरनाक है। इसके दो पहलू आए हर एक शख्स को देखने चाहिए। पहली बात तो पब्लिक सोचती है कि मेरे को हो गया, मैं तो यंग हूं और लोगों को लग रहा है कि माइल्ड है, ठीक है, पर आप रहते हैं एक फैमिली के साथ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, तो अगर जो आपको लगा और आपको शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर आपने अपने एल्डर्स को दे दिया या बच्चों को दे दिया और उनको बुरा इफेक्ट पड़ गया, तो आप अपनी जिंदगी में कभी अपने आपको माफ नहीं करोगे कि आपकी वजह से लोग तकलीफ में आ गए। तो इसीलिए सावधान रहना है हर एक को।